जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। वेल Realme ने Realme 8 4G के अंदर फरवरी मंथ का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है और मैं इस अपडेट को यूज कर रहा हूँ लगभग एक दिन से। काफी अच्छे तरीके से इस अपडेट की जो टेस्टिंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। वेल कौन कौन से फीचर आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं, अंततः स्कोर कैसा देखने को मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरीके की देखने को मिलती है और जो बग्स आपको पिछले अपडेट के अंदर देखने को मिलते थे क्या Realme ने उन सभी बग्स को फिक्स किया कि नहीं किया, वेल सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात की जाए अपडेट के बारे में, बट उससे पहले आप लोग अपडेट का वर्जन और साइज जो है वो एक बार चेकआउट कर लें। वर्जन आपको C.03 देखने को मिलता है और इस अपडेट का साइज आपको देखने को मिलेगा लगभग 1 GB के आसपास। बात की जाए चेंज लॉग के बारे में तो Realme UI 3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट का चेंज लॉग आपको देखने को मिलता है वही Realme ने फिर से इस अपडेट के अंदर रिपीट किया है। कुछ भी आप लोगों को नया देखने को नहीं मिलता। वेल फीचर्स और बग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चेंज लॉग के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में तो वो आपको देखने को मिलता है स्मार्ट असिस्टेंट का। फाइनली इस अपडेट के अंदर आपके डिवाइस में आप लोगों को स्मार्ट असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। स्टेप ट्रैकर और जो क्विक फंक्शंस हैं ये भी काफी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और साथ में आप लोगों का जो सिस्टम लॉन्चर है वो भी स्मार्ट असिस्टेंट को सपोर्ट करेगा और इसको कस्टमाइज करने के जो फीचर्स हैं वो भी आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात की जाए अंततु स्कोर के बारे में तो मैंने टेस्टिंग करते टाइम स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, लेकिन आप लोगों को अंततु की एप्लीकेशन ओपन करके बता दूं कि आप लोगों को स्कोर देखने को मिलेगा 240,140। वेल स्कोर तो काफी अच्छा देखने को मिलता है इस अपडेट के हिसाब से, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आगे हमने BGMI का टेस्ट किया है तो जरूर जाकर के उसको चेकआउट करना और बैटरी ड्रेनिंग के बारे में भी आगे इस वीडियो के अंदर बताया है। अब दोस्तों बात की जाए अगले फीचर के बारे में तो आप में से काफी सारे यूजर कमेंट कर रहे थे कि भाई इस टाइप का बैटरी इंडिकेटर जो है अपने डिवाइस के अंदर कैसे एनेबल करें। तो ऑफिशियल एनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आपने जाना है नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, यहां पर आपने क्लिक करना है स्टेटस बार के ऊपर और फाइनली आप लोगों को बैटरी स्टाइल का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आप लोग जैसे वर्टिकल के ऊपर क्लिक करोगे आपको वर्टिकल बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाएगा, लूप देखने को मिल जाएगा, जो भी आपको पसंद हो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। बैटरी परसेंटेज आप लोगों को कहाँ चाहिए, बैटरी वार के अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग अपने बैटरी जो इंडिकेटर के स्टाइल्स हैं उनको आप लोग चेंज कर पाओगे। अब दोस्तों बात की जाए AOD कस्टमाइजेशन के बारे में, क्या इस अपडेट के अंदर AOD कस्टमाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिला कि नहीं मिला। तो सेटिंग ओपन कीजिए, पर्सनलाइजेशन का सेक्शन चेक कीजिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ओपन कीजिए। अभी भी आप लोगों को AOD कस्टमाइजेशन का सपोर्ट जो है इस अपडेट के अंदर Realme ने प्रोवाइड नहीं करवाया है। आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट जो ब्लैक सी AOD है वही इस अपडेट के अंदर देखने को मिलती है और अब आप लोग उम्मीद भी छोड़ दें कि आप लोगों को AOD कस्टमाइजेशन का जो फीचर्स है Realme की 8 सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आपने कस्टम रोम ट्राई किया होगा तो कस्टम रोम के अंदर जो AOD कस्टमाइजेशन का फीचर है वो बिल्कुल वर्किंग है Realme 8, Realme 8 Pro दोनों डिवाइसेस के अंदर। अब दोस्तों बात की जाए गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो उसके लिए हम लोग BGMI का टेस्ट करेंगे और BGMI का वर्जन आपको देखने को मिलता है 1.8.0 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इसी के साथ आप लोग सेटिंग में बैटरी का सेक्शन जो है वो भी एक बार चेकआउट कर लें। आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है 57%। वेल हम लोग 57% के ऊपर गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक गेम खेलने के बाद कितनी जो बैटरी ड्रेनिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों गेम ऑन हो चुकी है एंड बात की जाए ग्राफिक्स के बारे में तो इस अपडेट के अंदर आप लोगों को स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, बैलेंस के ऊपर भी आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाता है
और HD और हाई जो है इसके जो ग्राफिक्स है आपको हाई देखने को मिल जाते हैं। वेल, जो ओल्ड ग्राफिक्स थे वही देखने को मिलते हैं। हम लोग गेम प्ले करेंगे स्मूथ और अल्ट्रा के ऊपर, और एक बेटर गेम प्ले के लिए आप लोग भी स्मूथ और अल्ट्रा को ही यूज करना। सो हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन।
दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स के बारे में, गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरीके की आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलती है, अंततः स्कोर सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। अब दोस्तों इसी के साथ सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट भी आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर देखने को मिले हैं, जैसे कि नया फोन मैनेजर आपको देखने को मिला है, वायरस स्कैन का फीचर देखने को मिल गया, नई कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिली है, जैसे आप लोग फोटो से पोर्ट्रेट मोड के ऊपर स्विच करोगे अलग से पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन को पिंच करोगे तो फीचर्स किस तरीके से पॉपअप से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये सभी एनिमेशन रियलमी ने इस अपडेट के अंदर इम्प्रूव किए हैं। अब दोस्तों सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट अगर आप लोगों को सबसे पहले चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रियलमी सिस्टम अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को यहाँ पर डेली रियलमी एंड ओप्पो डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। सो फाइनली दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।